कितने परसेंट लोगों को लगता है कि जब एक औरत कहती है सब ठीक है तो कुछ भी ठीक नहीं होता? या तो मैं भी घुस जाऊंगी। लड़के ने गिव अप कर दिया। Let's just go home. तो ये तो पूछते ही रुक गए आप। ऐसा क्यों? This is so related. नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था कि कितने परसेंट लोगों को लगता है कि जब एक औरत कहती है कि सब ठीक है तब जरूर कुछ गड़बड़ है। Whatever. तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80% झूठी औरतों। Really? मैंने 90 लिखा है। मैंने 70 लिखा है। झूठी औरत। मैं बताऊंगी क्यों। Okay, let's see the gentleman's score. 90, 100. 100 में से? ये बात हार जीत की नहीं है, ये तो दिल की खुशी की बात है। आज हमें मौका मिला है। पूरा मौका मिला है। सब भड़ास निकाले। लुक एट द हैप्पी युविका देख रही है। आई लव यू। ये 80% आप सोचते हो इंडिया की सोच है या इसमें आपकी भी सोच मिली हुई है? मैंने 70% दिया है इसलिए क्योंकि कुछ लड़के सच में इतने ढक्कन होते हैं ना कि अगर उनको बोलो कि सब ठीक है तो उनको लगता है हाँ सब ठीक है, अपना काम में लग जाते हैं वापस। वो सबसे समझदार है। आप बोलती क्यों है कि सब ठीक है? क्योंकि वो हमारे हिसाब से ना वो सिचुएशन ओपन है ऐसे और तुम्हें नहीं दिख रही है तो तुम पागल हो। अच्छा, लड़के पागल है। तुमको एक सवाल पूछा है कि बीबी तुम ठीक हो, तुम कह रही हो तुम ठीक हो पर तुम नहीं हो और लड़के पागल है। अच्छा भाई ये बताओ, आपने साथ में बैठे खाना खाया होगा जी, उसके बाद आप सिर्फ शार लेने गए हो, वापस आए हो तो उसका मूड चेंज होगा और वो पूछो बेबी सब ठीक है? हाँ ठीक है। सब पता रहेगा कुछ ठीक नहीं है भाई, मैंने क्या गलती कर दी, सब मैं फोन दे सब ठीक है। हरकतें भी तो ऐसी होती है ना कि कुछ ना कुछ मतलब मूड ऑफ कर ही देते हो तुम लोग। मूड खराब हम नहीं करते, तुम्हारा खुद का ही हो जाता है अपने आप। नहीं हाँ हर बात पे नहीं, तुम लोग करते नहीं, हो कुछ हरकत तो। ऐसा हर बात पे नहीं। ये तो सीरियस हो गया। ये आज घर नहीं जा रहे, ये तो आज पिटेगा। मुझे घर किसी के पास नहीं जाना इसलिए मैं आज शेर हूँ। प्रिंस तो अपना खड्डा खुद ही खोद रहा है। तो यार मेरा होटल करा देना यार, 4-5 दिन के लिए। लेकिन आपको लगता है कि इट्स ओके टू से इट्स ओके व्हेन इट्स नॉट ओके? नहीं, वी एक्सपेक्ट मेन टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। वी एक्सपेक्ट मेन टू, इट्स अ गर्ल थिंग। या इट वी कांट एक्सप्लेन दिस। एग्जैक्टली आवर पॉइंट, यू कांट इवन एक्सप्लेन इट। ओके, इवन इफ वी से दैट इट्स ऑल ओके, यू नो इट्स नॉट ओके ना रितेश, यू नो ना। जस्टिफाई मत करो। नहीं नहीं, क्या होता है ना, आई हैव टू से आर यू ओके एंड शी सेज आई एम फाइन, तो मेरा दूसरा क्या होता है, Are you sure? No, escapist. Are you fine? Will never be asked. You're fine. Okay, finish. I asked you. मेरा काम था पूछने के लिए। औरतों को समझना नामुमकिन है। आज तुम लोगों ने प्रूव कर दिया ये बात। हाँ, नहीं 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 समझ सकते कभी। अरे भगवान नहीं समझ पाया। Shut up. नहीं समझ सकते। देखो मैं सारे मर्दों को एक डेमो देना चाहता हूँ कि हैप्पी रिलेशनशिप के लिए इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। Oh. बेबी क्या हुआ? Everything is fine. Yeah. Everything's fine. सब ठीक है। हाँ, but फिर भी I'm very sorry. तुम सही हो और मैं गलत. And I love you. Please मुझे माफ कर दो. जो मैंने किया उसके लिए भी और जो मैं करने वाला हूँ इसके बाद उसके लिए भी. चलो ये लड़ाई तो जारी रहेगी लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या है इंडिया की सोच। yeah! ओह, क्या बात कर रहे हो? इंडिया की सोच है 80%। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इंडिया की सोच में 50% औरतें भी है ना जो जवाब दे रही होंगी। yeah, सही बात है। Only on Flipkart with you. Watch, play, win now.